तो एक बार फिर खुशामदीद। दोपहर के 3 बजे हैं, 27 सितंबर है और इस्लामिक कैलेंडर की रबीउल की पहली तारीख हो गई है आज। टेम्परेचर 13 डिग्री। ये बसेस रूट पे चलती है 57 पे। मिडलैंड एवेन्यू पे लॉरेंस से प्रोग्रेस एवेन्यू की तरफ जा रहा हूँ, टोरंटो के साथ स्कार्बो में। टेम्परेचर 13 और फीस लाइक 12 डिग्री। पूरे दिन रात तक ऐसा रहेगा, हल्की हल्की ठंडक है। ठंडक से आपने बचना है, हवा नहीं लग रही है इसलिए कैप पहन के अपने आप को खांसी से नज़ले की बचाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सूरज निकला 7:05 पे। गुरूब हुआ 7:11 पे होगा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम समर में 21-22 जून से 21-22 दिसंबर की तरफ बढ़ रहे हैं और आज सितंबर है, तो अब दिन छोटा हो गया, रात लंबा होने शुरू हो चुकी है। यहाँ पे सर्दी में दिसंबर का पीक, जब सबसे छोटा दिन होता है 21-22 दिसंबर, और 21-22 जून जब दिन सबसे बड़ा होता है, दोनों तरफ मिला के आराम से 5 घंटे का सूरज गुरूब और तुलू होने में फ़र्क पड़ जाता है। यानी दिन इतना छोटा बड़ा होता है कि 5 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। इसकी आप मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं कि रोज़ाना तकरीबन 3 मिनट दिन छोटा होता है या बड़ा होता है। सिर्फ जून का महीना एक ऐसा आता है जिसमें ज़रा दिन का छोटा होना बहुत स्लो हो जाता है और बड़ा होना भी बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि 21 जून तक एक तरह से दिन बढ़ता जा रहा है, रात छोटी होती जा रही है। 21 जून के बाद दिन छोटा होता जा रहा है और रात बड़ी होती जा रही है। दरख्त आप देख सकते हैं पीले होने शुरू हो गए। जब उस तरफ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की साइड पे जाऊंगा, इस हफ्ते के काम पे या अगले हफ्ते, तो फिर आपको इंशाल्लाह कलर दिखाएंगे और मैं खुद भी देखूंगा। इलेक्ट्रिक बाइक, मज़े। बच्चा कितने आराम से तेज़ी से गाड़ी के सामने आ गया। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि पैदल चलने वाले का सिग्नल 3 सेकंड रह गए हैं और आप गाड़ी निकाल लेंगे, वो नहीं आएगा। वो ई स्कूटर वगैरह पर हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, हिट कर देंगे उसे। ये थोड़ा अच्छा नहीं है, लाइन से आगे गाड़ी निकाली हुई आपने, लेकिन इतनी बारीक बीने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चलता है थोड़ा सा। वो भी बेचारा थोड़ा व्यू बनाने की कोशिश कर रहा है, गली से आगे निकल के लेफ्ट राइट देख सके कि मुझे ट्रैफिक में मर्ज होने का मौका है या नहीं। मर्ज तो नहीं, वो टर्न ले रहा है। मर्ज तो उसको कहते हैं कि रोड सीधी जा रही है, उस तरह कर्व हो रही हो, आप उसमें शामिल हो रहे हो, तो पहला राइट उसका होता है जो जा रहा। ये बेचारे जो कलर तब्दील कर रहे हैं, वो साहब भी कलर तब्दील कर रहे हैं, लेकिन ये बेचारा लग रहा जली है। बारिश हल्की की शुरू हो गई है। सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट या रेन रेजिस्टेंट मैंने उसे जैकेट पहनी हुई है, जो हल्की फुल्की ही बारिश से बचा सकती है। अल्लाह करे बारिश तेज़ ना हो जाए, तूफान अब आए बड़ा इस तरफ हमारे अटलांटिक, यानी यहाँ से 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर बड़ा सख्त तूफान आया इस तरफ। यकीनन किसी ख़ास हिस्से पे आया, पूरे अटलांटिक पे नहीं आया कि मैं इस तरह बता रहा हूँ। उस तरह कंस्ट्रक्शन का ट्रक मटेरियल के अलावा पर मज़ा तो ये कलर देखने का है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो
भाई साहब भी बड़े प्यारे प्यारे कलर के हो रहे हैं। ये हमारा मैपल लीफ है। वैसे भी एक दोस्त का पुर्तगाल जाना हुआ है, तो अभी कुछ दिन पहले जर्मनी में था, फिर वहाँ से फ्रांस गया ट्रेन के थ्रू से पुर्तगाल गया गालिबा। तो उसने अपने बच्चे के हाथ में मैं तस्वीर लगा दूंगा पुर्तगाल की मैपल लीफ की तस्वीर शेयर की मुझे दिखाने के लिए। तो हमारा मैपल लीफ का पत्ता थोड़ा सा फर्क है। ये तो अभी तक डेंस डार्क ग्रीन हो रहा है, ऐसे वो होने चाहिए घर के अंदर का। किचन कैबिनेट वगैरह की फिक्सचर्स की है, स्टोर है JF मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि कार है। कैमेलियन फुटपाथ देख रहे हैं, ये नई डाली है, साइड में खुदाई की फट्टे वट्टे लगे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कंक्रीट छत में भरा जाता है नया नया वाइट होता है उस तरह से, बाद में डार्क कलर हो जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कराची में जो मैं देखता हूँ बनू मुख्तार इंडे के रेट के पत्थर लगाए जा रहे होते हैं, यहाँ तो ऐसे ही भर के बना रहे हैं भाई। दादू ले लो 24 आवर खुली हुई है वाइनरी तो पता नहीं फैक्ट्री को कहते हैं या हमारी फायर की गाड़ी फैक्ट्री को कहते हैं या वो जो खेत होते हैं उसको वाइनरी कहते हैं, मालूम नहीं है मुझे। एक किचन एंड बाथ पहले खा लें, उसके बाद जब आपको कुकू करने जाना हो तो वो भी चले जाएं। ये साइकिल ठीक है, ई बाइक थोड़ा यार थोड़ा क्या ज़्यादा ही बहुत प्रॉब्लम कर रही है, बहुत तेज़ी से आते हैं। वो स्पीड का ख्याल भी रखते हैं कि यार इस पर 40-50 की स्पीड से 30 की स्पीड से थोड़ी चलाई जाती है इस पर यार। दो हफ्ते पहले अभी मैं इस तरफ ही, मैं खाना उस तरफ कहीं रोड पे था, इतना बचाऊँ मैं साइड पे थोड़ा सा हुआ चलते चलते और कोनी मैंने थोड़ी सी बाहर स्ट्रेच की, जैसे बंदा अपनी पैंट ऊपर कर रहा होगा बेल्ट को टाइट करने की कोशिश कर रहा, उफ बचत हो गई। और जितनी देर में मैंने हाथ उठा के ऐसे गैर इरादी तौर पर किया, अरे यार ये क्या, तो बंदा ये तो बहुत कम है, इससे डबल सिग्नल था उसको पहुँच भी चुका था। कोई बेचारी बुजुर्ग खातून लग रही है या बंदा या बंदी, कोई बारिश से बच रही है, अच्छा लग रहा है। वो कंफ्यूज ही हो गया, बस सब कुछ बोल दिया मैंने। इतना प्यारा लग रहा है, दिख रहा है उसके घर पर नहीं रोड पर, तो निंदा सा कितना ज़बरदस्त कलर दे रहा है। कनाडा पोस्ट आ गया है, जैसे पाकिस्तान पोस्ट होता है, पाकिस्तान पोस्ट के बजाय पाकिस्तान में कोरियर, प्राइवेट कोरियर कंपनीज का ज़्यादा तसव्वुर है या ज़्यादा चलते हैं वो,
अच्छा पाकिस्तान पोस्ट के लिए आप रेट भेजो इतने कम नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत कंपेटिटिव है। अभी तो जो वहाँ महंगाई का 5-6 महीने में तूफान आया है, करेंसी एक्सचेंज वगैरह की वजह से, वो एक अलग पहलू है। बहरहाल यहाँ तो ये सुपर डुपर है जी, और ये कोरिया से कम ही पड़ता है। कलर चेक करें, स्टार्ट फट भी चेक करें, आगे सिग्नल रेड हो गया है। अगर ये ट्रक नहीं होता और ये गाड़ियाँ नहीं होती तो मैं भाग के निकल जाता, नहीं निकल सकता। जे वॉकिंग करके रोड क्रॉस कर दी है, करनी नहीं चाहिए थी, सोचा थोड़ा सा अंदर का रास्ता भी दिखाऊं आपको। अब सर्दी आने तक जो हिस्ट्री रही है, क्योंकि तो कुदरती हिस्ट्री है, इसको ये तो नहीं कह सकते कि कोई लिख रहा था, तो ऐसी क्लाउडी क्लाउडी रहेगा। मेरा एक दोस्त वैंकूवर में रह चुका है, एक तो मुस्तकिल बादलों वाला मौसम, बारिश और हर वक्त की कंस्ट्रक्शन, तंग होकर भाग गया, वहाँ से भाग गया। इस तरह इनके ट्रॉलर वगैरह पीछे रखते हैं, सामान लोड अनलोड होता है, ये सब दो सिक्योरिटी लॉक्ड होंगे इलेक्ट्रॉनिकली। देख ले कितना प्यारा है यार, ये मतलब हद कर दिए ना इसने। आप देखें स्पीड का बोर्ड है, कहीं वहां से आ रहा हो इसको नजर आएगा कि आप अहेड टर्निंग में 20 की स्पीड रखें। अच्छा एक होता है बोर्ड वाइट, एक होता है ऑरेंज, मेरे ख्याल में ऑरेंज का मतलब होता है फॉलो करना ही करना है। जैसे ये ऑरेंज सॉलिड लाइन है ना, तो इसका मतलब है आप टर्न पे रोड को उधर क्रॉस नहीं करें या ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करें। मैं इसको थोड़ा सर्च करूंगा और फिर लिख दूंगा कि सिर्फ कलर की बात कर रहा हूँ। सॉलिड होती है, ब्रेक होती है, एक दो पट्टियां साथ चल रही होती हैं, एक तरफ ब्रोकन लाइन होती है, एक तरफ सॉलिड होती है, उसकी बात नहीं कर रहा, कलर की बात कर रहा। कलर पे भी ज़्यादा मेरा फोकस होगा वो स्पीड लिमिट का जो कलर है, इसमें से मैंडेटरी कौन सा होता है और रिकमेंडेड कौन सा होता है, यानी लाजमी और तरजीहन जैसे कहते हैं कि भाई आप ऐसा करें, और दूसरा था करना ही होगा। सब टाउन हाउसेज हैं जो साथ मिले मिले घर पाकिस्तान में होते हैं, इनको यहाँ टाउन हाउसेज कहते हैं। ये घर का फ्रंट, ये घर का पिछवाड़ा, ये सेंट्रल एयर कंडीशनर का यूनिट, ठंडा करने की मशीन। लोगों ने अपने टेरिस में थोड़ा टेलिस बालकोनी, अब ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगा। नन्हे नन्हे बच्चों के भी कलर चेंज हो रहे हैं, काफी पत्ते जल के गिर भी रहे हैं, बेलें तो जल ही चुकी हैं।
सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी तमाम होती है। और साथ ही इस गाड़ी के कलर देखें, यहाँ बस आ रही है, पहली दफ़ा देखा मैं, शटल होगी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, या बीच में ट्रेन के ट्रैक वगैरह में प्रॉब्लम आती है। और कलर ही ज़बरदस्त लग रहा है ना, और ये आ गई जनाब प्रोग्रेस एवेन्यू, और ये आ गया एल्समेर स्टेशन स्कारबोरो। इसके उस तरफ जो बैकग्राउंड में बिल्डिंग नज़र आ रही है वो कैनेडी है, जो कि कहलाएगा मगरबी तरफ वेस्ट साइड, इस तरफ ईस्ट में मिडलैंड है, मिडलैंड है नहीं, मिडलैंड जैसे भी एक जगह है यहाँ पे, तो वो ईस्ट है। पुल के उस तरफ सीधे हाथ पे यानी जहाँ गाड़ी जा रही उधर नॉर्थ हो गया, जो कि जहाँ आर्कटिक है, बहुत ठंडा है। पुल देख लो, लग रहा है मज़े के। और मेरे उल्टे हाथ पे साउथ हो गया, जहाँ के लेक ओंटारियो, उसके पीछे अमेरिका है। तो इसलिए अमेरिका में वो अमेरिका का नॉर्थ होगा जो इस तरफ लगता है, और उसके पीछे जितना आप साउथ में चले जाएं तो ये गरम 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 होता जाता है वेदर, और फिर साउथ अमेरिकन ममालिक भी आ जाते हैं। मैं नॉर्थ अमेरिका में हूँ इस हिसाब से। ये बिल्डिंग का कलर कितना चेंज है, कितना चेंज गाड़ी का, जिसको जाने में पहले तो अपना अपना ख्याल ख्याल रखें। यहाँ तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल एक्टिविटी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं भी पसंद आए तब भी कमेंट कर दें, मैं बेहतर करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, और अगली बार मिलेंगे तो ज़रूर बेहतर पाएंगे। एल्समेर आरटी स्टेशन से स्कारबोरो टोरंटो के करीब ओंटारियो कनाडा से, बाय बाय।